हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, हमारे इस सेशन में हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे अपने प्लांट प्रोटेक्शन एंड एंटोमोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज। दीज आर योर रिविजन क्लासेस। ऑलरेडी हम बहुत सारे थ्योरी पोर्शन भी इन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम एंटोमोलॉजी प्लांट प्रोटेक्शन पार्ट, जो आपका एग्रीकल्चर के अंडर पार्ट है, उसको रिवाइज कर रहे हैं आपके पेपर टू के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड नहीं की है, सो प्ले स्टोर में जाइए और टाइप कीजिए ADDA247। अड्डा 24/7 की इस ऐप में आपको चूज करना है एग्रीकल्चर सेक्शन को। उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, सब इसको आप अपनी एप्लीकेशन में पा सकते हैं। इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। गोइंग अहेड विद द सेशन, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी क्लास आप तक जाए सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन एंड हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं रिलेटेड टू प्लांट प्रोटेक्शन आपके कुछ क्वेश्चंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम योर फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अक्रेंस ऑफ रूट नोट नेमेटोड इन कुकुम्बर वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। रूट नोट नेमेटोड कुकुम्बर में सबसे पहले किन्होंने रिपोर्ट किया था? एमजे बाकले, सी लेशबर्गर, बार्बर या ए स्टर्बेल। हू डिड द रिपोर्टेड द नेमेटोड्स इन कुकुम्बर्स या कुकुम्बर। कुकुम्बर प्लांट में नेमेटोड्स सबसे पहले किन्होंने रिपोर्ट किए थे? So answer to this question will be A, MJ Barclay। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले nematodes देखे थे आपके cucumber के plants में। ठीक है, उसके बाद आते हैं root knot formation is due to। plants में roots में knots बनने लगती हैं, गांठे बनने लगती हैं, ये किस nematode की help से होता है? रूट नॉट फॉर्मेशन इज ड्यू टू रूट लेजन नेमेटोड, ओवल नेमेटोड, स्टबी रूट नेमेटोड, रूट नेमेटोड, रूट नॉट नेमेटोड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर है ना, इसमें हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जी शैलेंद्र और हिमेंद्र, वेरी वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो यहाँ पर रूट नॉट नेमेटोड हमने यहाँ पर देखा ही है कि भाई रूट नॉट फॉर्मेशन किससे होगी, रूट नोट नेमेटोड से ही रूट नोट फॉर्मेशन होगी। रूट नोट मतलब उनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उनमें गांठें बनने लगती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं रूट नोट डिजीज। ये रूट नोट डिजीज रूट नोट नेमेटोड के कारण होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम का, तो इसमें मेलिडोगाइनी स्पीशी आती है, मेलिडोगाइनी स्पीशी। ठीक है, ये आपकी रूट नोट फॉर्मेशन स्पीशीज होती है। ठीक है, this species usually produces small galls on the roots। ये species जो nematode की है, ये plants पर small gall formation करती है। Melidogyna incognita, Melidogyna halpa, Melidogyna arenaria, Melidogyna javanica। ठीक है, तो Melidogyna species जो है वो root formation, root knot formation या root gall formation करती है, है ना। तो ये जो गॉल फॉर्मेशन अगर स्मॉल साइज के होते हैं, तो ये किस स्पीशी के द्वारा करवाए जाते हैं? तो ये आपके जो है हल्पा के द्वारा करवाए जाते हैं। यहां पर आपका आंसर क्या होगा, मेलिडोगाइनी हल्पा, ऑप्शन बी। ओहो, बिग मिस्टेक, आगे आंसर्स विजिबल हैं। चलिए, Tylenkoccus claytoni is a serious pest of। Tylenkoccus जो है ये आपके कैस्टर,
टबैको या ग्राउंडनट या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किसका सीरियस पेस्ट है? टाइलेंको राइनेकस जो है आपका सभी क्रॉप्स में पेस्ट है, यानी कि सभी क्रॉप्स पर विजिट करता है। तो आंसर यहां पर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं, अब मजा नहीं आएगा यार, इट्स माय बैड। प्रिया, बिकॉज इस बार जो आपका द एग्जाम पैटर्न वॉज चेंज्ड, इट्स डिफिकल्ट टू एनालाइज कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है ना। सो लाइक 65-70% तक होप किया जा रहा है कि इतना बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, है ना। 65-70% आपका जाना चाहिए इसका कट ऑफ। बाकी क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, जीएस इसमें ऐड हुआ है, सो इट्स लाइक इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि इतना ही जाने वाला है। सो लेट्स होप कि इससे नीचे ना जाए कट ऑफ, है ना। और बाकी 50% से अबाउट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने ही है, अदरवाइज यू विल नॉट बी क्वालिफाइंग द एग्जाम। FCI AG3 बच्चे यही थर्सडे को हम FCI AG3 के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपके एंटोमोलॉजी और निमेटोड्स वाला पार्ट जो है आपकी प्लांट प्रोटेक्शन का पार्ट आ जाता है, एंटोमोलॉजी में आपके इंसेक्ट्स का पार्ट आ जाता है, ठीक है। सो हेलिकोटाइलेंकिस मल्टीसिंक्टस इज अ इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ, ये किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है? तो ये बनाना का इंपॉर्टेंट पेस्ट है, ठीक है। इट इज अ पेस्ट ऑफ बनाना। आपके दो चार ही निमेटोड्स हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में अटैक करते हैं, ठीक है। बनाना पर कौन सा करता है, सिट्रस पर कौन सा करता है, पोटैटो पर कौन सा करता है, वीट में कौन सा करता है। चार पांच आपके फेमस निमेटोड्स हैं जो डिफरेंट क्रॉप्स पर अटैक करते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। FCI का रिजल्ट कब आएगा? अच्छा क्वेश्चन। सो बिकॉज आपका FCI मैनेजर का एग्जाम हो चुका है, सो सूनर वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब बहुत जल्दी जो है आपके FCI प्री का रिजल्ट आएगा एंड यू विल बी गेटिंग रेडी फॉर द मेंस एग्जाम, है ना। आपको बहुत जल्दी मेंस एग्जाम की डेट मिलने वाली है। चलिए, होपलोलाइमस कॉज सीरियस डैमेज टू, होपलोलाइमस किसका सीरियस डैमेज करता है, किस क्रॉप में सीरियस डैमेज करता है? तो इट डज द डैमेज इन कॉटन क्रॉप, ये कॉटन क्रॉप पर विजिट करता है। सी विल बी योर आंसर, ठीक है। नॉट लाइक गॉल्स ऑन रोज आर इंड्यूस्ड बाय, रोज पर नॉट लाइक गॉल फॉर्मेशन जो आप देखेंगे ये किस निमेटोड के द्वारा इंड्यूस की जाती है? तो रोज स्पीशी पर आता है आपका जिफेनेमिया जो है आपका, ये रोज स्पीशी पर गॉल फॉर्मेशन करता है, तो ये आपका रोज का निमेटोड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा का सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर कौन सा है? जीरोप्टरा, है ना भाई। जीरो से छोटा क्या हो सकता है, इसके नाम में ही जीरो आ रहा है, तो जीरोप्टरा ऑर्डर जो है ये क्लास इंसेक्टा का सबसे छोटा ऑर्डर है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रेड ग्राम स्टेरिलिटी मोजेक इज ए ट्रांसमिटेड बाय, रेड ग्राम स्टेरिलिटी मोजेक एक डिजीज है जो एक वायरस के कारण होती है, ठीक है। उस वायरस का नाम भी जो है स्टेरिलिटी मोजेक वायरस होता है, लेकिन ये ट्रांसमिट एक एफिड्स सॉरी एक इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है, एक वेक्टर की जरूरत होती है ना। सो उस वेक्टर का जो काम है वो कौन करता है? एसेरेनिया कजनाई करता है, ठीक है। इट्स अ वेक्टर फॉर योर स्टेरिलिटी मोजेक वायरस, जो कि रेड ग्राम में एक मेजर डिजीज है, वायरस की वजह से ये फैलती है। तो इसको स्प्रेड कौन करता है?
एसेरिया कजनाई जो है इसको स्प्रेड करती है यहां से वहां दूसरे प्लांट्स में, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। द पेस्ट विच अटैक बोथ इन फील्ड एंड द स्टोरेज ऑफ पल्सेस, ऐसा कौन सा पेस्ट है जो पल्सेस को स्टोरेज पर भी अटैक करता है, जब हम उसको घर में स्टोर करके रखते हैं, और फील्ड पर भी अटैक करता है, यानी कि दोनों जगह अटैक कर सकता है। द पेस्ट विच अटैक्स बोथ इन द फील्ड एंड द स्टोरेज ऑफ पल्सेस, पल्सेस को स्टोरेज में और फील्ड पर दोनों जगह अटैक करता है, तो वो है आपका पल्स बीटल। ऐसे कम ही पेस्ट होते हैं जो किसी भी आपके स्टोर्ड ग्रेन या आपके स्टोरेज पर बेसिकली या फील्ड दोनों पर अटैक कर सके, ऐसे बहुत कम पेस्ट होते हैं। एक और आपका जो ऐसा फेमस पेस्ट है वो है पटैटो प्लूम मोथ। पटैटो प्लूम मोथ, ये पटैटो प्लूम मोथ भी पटैटोज, जो स्टोर्ड पटैटोज होते हैं उन पर भी अटैक करता है, और साथ ही साथ फील्ड पर भी जो पटैटोज होते हैं उन पर भी अटैक करता है, राइट। तो ये दोनों पेस्ट ऐसे हैं, पल्स बीटल एंड पटैटो प्लूम मोथ, जो स्टोर्ड और फील्ड दोनों ही क्रॉप्स पर अटैक करता है। तो इस पटैटो प्लूम मोथ से बचाने के लिए आप पटैटोज को जब स्टोर करते हैं या फिर जब वो फील्ड पर होते हैं, है ना, तो उनके ऊपर कम से कम 3 सेंटीमीटर की मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस प्लूम पटैटो मोथ का जो अटैक है वो नहीं होता है। इंसेक्ट्स दैट पास थ्रू द एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स, ऐसे इंसेक्ट जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं, एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को हम कहते हैं कि इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चारों स्टेज जो है इंसेक्ट की वो प्रेजेंट है, एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट। अगर इनमें से एक भी स्टेज गायब होती है तो उसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, जो पैदा होने के बाद उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई है, उसमें कंपाउंड आईज डेवलप हुई है, उसमें विंग्स डेवलप हुए हैं, उसमें एंटीना डेवलप हुए, वो सब क्या है, मेटामॉर्फोसिस का रिजल्ट है, ठीक है। स्टिकी बैंड्स अराउंड ट्री ट्रंक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ट्री ट्रंक्स में आप देखेंगे स्टिकी बैंड्स लगाए जाते हैं नीचे ट्री ट्रंक पर, वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, स्पेशली जब आप मैंगो के फील्ड पर या उसके गार्डन में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसे या तो नीचे से पेंट किया गया है या फिर उस पर पन्नी लगाई गई है, पॉलिथीन शीट लगाई गई है, ठीक है। जयपाल, आपका 50% इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर FCI, अगर आपने 50% से कम अटेम्प्ट किया है तो आप क्वालिफाई ही नहीं होते हैं, ठीक है। स्टिकी बैंड्स किस लिए लगाए जाते हैं, मैंगो मिलीबग से बचने के लिए लगाए जाते हैं। मिलीबग्स जो होते हैं ये आपके बार्क से चढ़कर आगे प्लांट पर जाते हैं और सैप पर फीड करते हैं, जिसको प्लांट से अब बहुत सारी दिक्कतें होंगी जब उस पर इंसेक्ट फीड करेगा, तो उनसे बचने के लिए या तो हम नीचे वाला जो एरिया उसको पेंट करके रखते हैं या फिर उस पर पॉलिथीन शीट्स लगाकर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, सी यहाँ पर हमारा आंसर है। The first successful attempt to utilize biological control involved the importation of, पहला जो biological control था, भाई ये बहुत important question है, पहला biological control कब attempt किया था, तो सबसे पहले तो biological control क्या होता है, किसी भी life form का use करना to control the insects or pests, इसको biological control कहते हैं। किसी भी पेस्ट को अगर हम दूसरे किसी भी नेचुरल एनिमी से, किसी दूसरे इंसेक्ट से, किसी पैथोजन से हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसकी पॉपुलेशन को, उसे बायो कंट्रोल कहते हैं। बायो कंट्रोल का फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आपका विडेलिया बिटल यूज किया गया था। ये विडेलिया बिटल जो है ये स्पेशली कैलिफोर्निया से मंगवाया गया था, ठीक है।
ये कहां से मंगवाया था? स्पेशली कैलिफोर्निया से मंगवाया था. किसने मंगवाया था? ऑस्ट्रेलिया ने मंगवाया था. सो ऑस्ट्रेलिया ने कहा, जाओ भाई कैलिफोर्निया से विडेलिया बिटल को बुला कर लाओ. क्यों बुलाना पड़ा हमें विडेलिया बिटल को कैलिफोर्निया से? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सीवियर अटैक था एक इंसेक्ट का, जिसका नाम था कुशन स्केल. कुशन स्केल, ठीक है, कॉटनी कुशन स्केल. इस इंसेक्ट के अगेंस्ट हमें इस इंसेक्ट का यूज करना पड़ा है. तो हम दूसरी लाइफ फॉर्म को यूज कर रहे हैं एक इंसेक्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. इसे बायो कंट्रोल कहते हैं. फर्स्ट डेलिबरेट सोचा समझा जो बायो कंट्रोल था, वो यही बायो कंट्रोल हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट कॉटनी कुशन स्केल इंसेक्ट, जो कि हमने विडेलिया बिटल से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जो कि हमने कैलिफोर्निया से मंगवाया था. एंड दिस ऑल हैपेंड इन 1888. ठीक है, द ग्लैंड ऑफ वर्कर बी सिक्रीट्स रॉयल जेली. वर्कर बी का कौन सा ग्लैंड है जो रॉयल जेली सिक्रीट करता है? आप सभी को पता होगा कि जो कास्ट सिस्टम होता है हनी बी में, क्वीन हमेशा रॉयल जेली पर फीड करती है. क्वीन हमेशा रॉयल जेली पर फीड करती है. ठीक है, तो रॉयल जेली पर फीड करने, रॉयल जेली प्रोड्यूस कौन करता है? वर्कर बी करती है. क्वीन का पालन पोषण का काम किसका है? वर्कर बी का है. तो ये जो वर्कर बी क्वीन का जो पालन पोषण कर रही है, इसके लिए इसको रॉयल जेली जो सिक्रीट करना पड़ता है, वो किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है? सो इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड. ठीक है, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से आपकी वर्कर बी जो है वो रॉयल जेली बनाती है. ठीक है, मैंडिबुलर ग्लैंड से क्या बनता है? क्वीन सब्सटेंस बनता है. मैंडिबुलर ग्लैंड से भी कुछ बनता है और वो है क्वीन सब्सटेंस. क्वीन सब्सटेंस, और क्वीन सब्सटेंस जो है आपकी क्वीन बनाती है. क्वीन सब्सटेंस आपकी क्वीन बनाती है, और आपका जो ये रॉयल जेली है वो आपकी वर्कर भी बनाती है. ग्लैंड्स भी अलग अलग है. क्वीन सब्सटेंस जो है आपका मैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और जो आपका रॉयल जेली है वो हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से सिक्रीट होती है. बायो मैग्निफिकेशन एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है और एक प्रोसेस है. बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? आप कुछ चीज खा रहे हैं, उससे बेसिकली किसी चीज का एक्यूमुलेशन होना इन द सब्सिक्वेंट सीरीज, है ना. भाई यहाँ पर कोई चीज है ना, इसमें आपका कोई टॉक्सिक केमिकल इतना प्रोड्यूस है. अब आपने इस चीज को 3 times खाया है ना, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट फूड लेवल आ गया है, इसमें इसकी टॉक्सिसिटी जो है बढ़ गई है. नेक्स्ट लेवल आया है, इसमें इसकी टॉक्सिसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है. तो इसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं. किसी भी केमिकल, किसी टॉक्सिन का एक्यूमुलेट होना ओवर द लेवल्स, इसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है, बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो रेमेडिएशन होता है कि किसी भी लिविंग फॉर्म को यूज करके आप एनवायरमेंट की पोल्यूशन को कम करते हैं, एनवायरमेंट को साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो बायो रेमेडिएशन होता है. ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन में इतना ही है, एक डेफिनेशन है. सो आई गेस यू आर फ्रॉम द पेड बैच, है ना, तो आप पेड बैच से होंगे बट लाइव क्लासेस नहीं ले रहे होंगे. तो वहां पर मैंने आपका बायो रेमेडिएशन कंप्लीट करवाया है. बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन मैंने आपको डेफिनेशंस जरूर बताई थी. इससे आगे की कहानियां आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, और इफ यू वॉन्ट टू हैव दीज कहानियां वी कैन हैव इन एनी ऑफ द एक्स्ट्रा क्लासेस. ओके, बट ट्राई टू ऑलवेज कम इन द लाइव क्लास. ओके, लाइव क्लास में हमेशा आने की कोशिश आप करते रहा कीजिए. चलिए मूविंग अहेड. कॉन्स्टेंट वॉच ऑन द पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ पेस्ट इज कॉल्ड एज. जो ये लोग भाग गए हैं क्लास छोड़कर,
उनको मैं बता देती हूँ, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रेमेडिएशन FCI का पार्ट भी है भाई, ठीक है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। द कॉन्स्टेंट वॉच ऑन द पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ पेस्ट इज कॉल्ड एज, आप पॉपुलेशन डायनेमिक्स पर पूरा कॉन्स्टेंट नजर रखे हुए, पॉपुलेशन इस पेस्ट की कब बढ़ रही है, कब घट रही है, कितने एरिया में फैल चुकी है, पूरा ध्यान रख रहे हैं। इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेस्ट सर्विलेंस, है ना, इसको क्या कहते हैं, पेस्ट सर्विलेंस, किस एरिया में इसका इन्फेस्टेशन ज्यादा है, किस एरिया में इसका इन्फेस्टेशन कम है, पॉपुलेशन इसकी किस सीजन में इंक्रीज हो रही है, ये सब आपका पेस्ट सर्विलेंस के अंडर आता है। सिट्रस नेमेटोड टाइलेंकस सेमीपेंट्रेंस इज अ डैश नेमेटोड, तो सिट्रस नेमेटोड पहले तो ये याद रखिएगा, टाइलेंकस आपके सिट्रस पर अटैक करता है, और ये जो टाइलेंकस नेमेटोड है ये सेमी एंडोपैरासिटिक है। सेमी एंडोपैरासिटिक का मतलब है कि ये फुल्ली एंडोपैरासिटिक नहीं है कि पूरा प्लांट की जड़ों के अंदर घुसता हो और अपनी पूरी लाइफ साइकिल वहां पर बिताता हो, ना ही पूरा एक्टोपैरासिटिक है जो कि जड़ों के बाहर ही रहता हो, प्लांट में एंटर ही ना करता हो, ये सेमी एंडोपैरासाइट है, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ अपना मुंह अंदर घुसाता है और रूट्स पर फीड करता है, बाकी बॉडी इसकी बाहर रहती है, तो ये फुल्ली एंडोपैरासाइट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द एफर्ट्स टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज ईदर बाय प्रोपगेशन एंड रिलीज और बाय एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन इज नोन एज, आप एनवायरमेंट की मैनिपुलेशन के द्वारा या फिर प्रोपगेशन के द्वारा नेचुरल एनिमीज की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा रहे हैं जानबूझकर, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं, इम्पोर्टेशन कहते हैं, ऑग्यूमेंटेशन कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। देखो मान लीजिए अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं तो आप एक बिल्ली रख लीजिए, बायो कंट्रोल हो जाएगा, है ना, बिल्ली अपने आप चूहे खा लेगी। अब चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो दो बिल्ली रख लीजिए, है ना, तो जो आप अपना नेचुरल एनिमी की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, जहाँ दो बिल्ली की जगह पांच बिल्लियां रख रहे हैं डेलिबरेटली, या तो एनवायरमेंट चेंज करके जो उस नेचुरल एनिमी को जो एनवायरमेंट पसंद है हम वही एनवायरमेंट देंगे, अगर बिल्ली को दूध पसंद है तो हम दूध देंगे तो सारी बिल्लियां हमारे घर में आएंगी, है ना, या फिर आप कहीं और से बिल्लियां खरीद कर पकड़ कर ला रहे हैं और अपने घर में छोड़ रहे हैं, दोनों केसेस में आप क्या करते हैं, नेचुरल एनिमी की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, ये ऑग्यूमेंटेशन है, ठीक है। संतोष इज आस्किंग व्हाट इज एपिडेमिक एंड व्हाट इज एंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है जब कोई भी पेस्ट, कोई भी डिजीज लार्ज एरिया में फैल जाती है, ठीक है, बहुत लार्ज एरिया में फैल गई है जिसकी वजह से बहुत लॉसेस हो रहे हैं, कंप्लीट क्रॉप फेलियर हो रहा है, तो वो एपिडेमिक होती है, महामारी, ठीक है, जब लार्ज एरिया में महामारी हो रही है जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है, इकोनॉमिक लॉसेस काफी हो रहे हैं, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। एंडेमिक क्या होता है, महामारी है लेकिन कहाँ है, महामारी भी क्या है बेसिकली, मतलब डेंजरस तो है वो पेस्ट या वो डिजीज जो है वो डेंजरस है लेकिन वो बहुत ज्यादा एरिया में नहीं फैल रही है, वो ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसी में होती है, है ना, जैसे कि कोविड है, कोविड अगर सिर्फ चाइना की वुहान सिटी में हो रहा होता तब तक वो क्या होता, एंडेमिक होता, भाई वहीं पे फैल रहा है, वहीं पर हो रहा है जो हो रहा है, है ना, पूरा वर्ल्ड इससे फ्री है तो वो क्या हो जाता, एंडेमिक हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, है ना, आज हर कंट्री में केसेस हैं, तो ये क्या हो गया है, ये एपिडेमिक अभी भी नहीं हुआ है, इसको हम पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है, तो पेंडेमिक और एपिडेमिक मतलब लार्ज एरिया में फैला हुआ होता है, लेकिन एपिडेमिक में आपका जो लॉसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, पेंडेमिक में इतने ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, फैला वो भी लार्ज एरिया में हुआ है लेकिन लॉसेस थोड़े से कम है तो पेंडेमिक है, ज्यादा एरिया में फैला हुआ है लॉसेस भी बहुत ज्यादा है तो एपिडेमिक है, एक ही एरिया में फैला हुआ है उससे बाहर नहीं जा रहा है तो एंडेमिक है, ठीक है। चलो
थैंक यू सो मच सिमरन. इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? इंसेक्टिसाइड एक्ट किस ईयर में आया था? अब हम प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड एक्ट भी आएगा, है ना? तो इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है आपका 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, 1968. व्हाट इज ETL? ETL इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल. इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल. व्हाट इज इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल? वो लेवल जहां पर आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देते हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने खेत में दो इंसेक्ट देखेंगे नहीं और बंदूक उठाकर चल देंगे, चलो इंसेक्ट को मार के आते हैं. भाई इंसेक्ट की भी धरती है, उसे भी जीने का पूरा अधिकार है. तो हमें कब उस इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाहिए? जब वो ETL लेवल पर आ जाता है, कि ये वो लेवल है कि इसके ऊपर अगर इंसेक्ट बढ़ा तो हमारी क्रॉप में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. वो होता है ETL लेवल. ETL लेवल पर आप उस इंसेक्ट की मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, उसका कंट्रोल शुरू कर देते हैं, विच इज ऑप्शन ए. पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर अप्लाइड एट ETL लेवल. ETL लेवल पर हम पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को शुरू कर देते हैं, ठीक है जी. निखिल, IBPS AFO का बैच अभी जो है आपका हाल फिलहाल 2759 का है वेबसाइट पर. एप्लीकेशन के द्वारा एनरोल करेंगे तो 2600 समथिंग का है, ठीक है. एंड अगर आपका 80% ऑफ हो जाता है तो ये आपको 3220 का पड़ेगा. जो अभी 80% अभी ऑन है, यू कैन सेव योर मनी, ठीक है. चलिए, सो दैट्स द एंड ऑफ आवर सेशन. ये हमारे सेशन का एंड है. आई होप दीज क्वेश्चंस वर हेल्पफुल. और इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहेंगे. ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. ये सारे क्वेश्चंस आपके प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं. इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया है, डिफरेंट निमेटोड्स जो हैं बहुत इग्नोर किए जाते हैं, लेकिन पेपर में एक आधा क्वेश्चन इनसे आ जाता है, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा, राइट. FCI AG3 पेपर 2 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, गाइस योर न्यू बैच इज स्टार्टिंग फॉर FCI AG3 टेक्निकल पेपर 2, ठीक है. तो पेपर 2 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो Feb 7th से आपका जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है. इफ यू वांट यू कैन एनरोल. इसमें एग्रीकल्चर, आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी आपने कॉम्बिनेशन लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें जो है सिलेबस कवर करवाया जाएगा. द फीस फॉर दिस बैच इज 1999.8 फॉर 80% ऑफ. और ये 80% ऑफ आपको कब मिलेगा? जब आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे Y448A. जब Y448A लगाएंगे, यू विल गेट 80% डिस्काउंट ऑन योर ऑल बैचेस. सभी बैचेस पर आपको 80% ऑफ मिलेगा, राइट. एंड अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दिस इज द हाई टाइम एंड द राइट टाइम, राइट. सो योर टेस्ट सीरीज हैव 22% ऑफ राइट नाउ विद द कोड Y448S. ए की जगह आपको यहां पर एस यूज करना है. एंड यू कैन हैव द टेस्ट सीरीज फॉर FCI AG3 टेक्निकल फेज 2 टेस्ट सीरीज, ठीक है. तो ये भी आप ले सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिसिटी, अपनी स्पीड बेटर कर सकते हैं, राइट. तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, राइट. गुड बाय गाइस. लेकिन गुड बाय से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि इन बैचेस में एनरोल कैसे करना है, राइट. तो बैचेस में एनरोल करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें एग्रीकल्चर सेक्शन को चूज कीजिए और वहां पर आपको जो है आपके बैचेस दिखाई देने लगेंगे. अगर हमें वेबसाइट से करना है तो हमें यहाँ Adda247 टाइप करना है और इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी. यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल कोर्सेज. ऑल कोर्सेज में हमें चूज करना है अपना FCI सेक्शन को, ठीक है. जैसे यहाँ पर FCI सेक्शन को चूज किया, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, FCI मैनेजर, FCI AG3. अब मैनेजर का एग्जाम हो चुका है, यू आर AG3 स्टूडेंट्स, AG3 को सेलेक्ट करेंगे. पहले आपको एग्रीकल्चर महापैक दिख रहा
है ना, फिर आपको आईबीपीएस एएफओ सॉरी एफसीआई एजी 3 टेक्निकल का बैच दिख रहा है जो कि आपका 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। करना क्या है, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन है पूरी, आप पढ़ सकते हैं। इफ यू फील राइट फॉर यू कि आपको अभी एक अच्छे रिविजन की जरूरत है या स्ट्रक्चर्ड नोट्स की जरूरत है या फिर अच्छी गाइडलाइंस की जरूरत है, सो यू कैन एनरोल इन द बैच। प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, यू जस्ट वॉन्ट टू प्रैक्टिस, यू कैन हैव द टेस्ट सीरीज एज पर योर नीड, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, नई विंडो खुलेगी, उसमें टाइप करना है यहाँ पर हमें Y448 एंड द कीबोर्ड इज अगेन नॉट इन द मूड टू वर्क, है ना। सो एक मिनट रुकिएगा जरा, यस, तो यहां पर आप टाइप करेंगे जैसे ही Y448A और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो Y448A अप्लाई करने से यू विल गेट दिस 80% ऑफ, पेबल फीस है 1999, एप्लीकेशन में और भी कम हो जाएगी जब आप एप्लीकेशन के द्वारा डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर हम बैक जाएंगे और बैक जाकर हम टेस्ट सीरीज को देखेंगे। नीचे देखिए, ये आपकी टेस्ट सीरीज है, एफसीआई एजी 3 अकाउंट्स, जनरल, रिपोर्ट, हिंदी, टेक्निकल। हम टेक्निकल के बच्चे हैं, हम टेक्निकल को चूज करेंगे। ठीक है, चूज किया, बाय नाउ बटन दबाया, उसी तरीके से विंडो आएगी, कुछ भी अलग नहीं है और कोड थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर आप डालेंगे Y448S एंड अप्लाई कर देंगे। जैसे ही Y448S अप्लाई किया, यू गेट 22% ऑफ ऑन योर टेस्ट सीरीज। जो आपको पे करना है वो है 233 रुपीज, जिसमें आपके जो है टोटल 75 से ज्यादा टेस्ट हैं, विच आर हेल्पफुल फॉर योर फेज टू पेपर, पेपर वन पेपर टू दोनों के मॉड्यूल्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से बहुत सारी मेहनत करते रहिएगा। ओके, मीट यू नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम 5 PM टू 6 PM।